हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉल्फिन अप्लायंस चैनल। आप सभी का खूब स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम स्पेशली वीडियो बना रहे हैं। हमारी सोडा फिलिंग प्लांट ऑटोमेटिक प्लांट है, जो DA1700 मॉडल है, उसकी हम वीडियो पूरी आपके सामने बना रहे हैं। दोस्तों, तो ये मशीन हमारी जो है डिलीवरी के लिए जा रही है, तो हम पूरी मशीन की टेस्टिंग ले रहे हैं, डेमो ले रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि मशीन के अंदर क्या क्या फंक्शन होते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि ये हमारी ऑटोमेटिक प्लांट है, जिसके अंदर से सोडा और सिरप एक ही हेड में से निकलता है। आपको अलग अलग लगाने का जरूरत नहीं है। जैसे सेमी ऑटोमेटिक प्लांट में पहले सोडा लगाओ, फिर सिरप लगाओ, फिर कैपिंग करो, वही हिसाब से ये मशीन के अंदर आपको सोडा और सिरप एक ही हेड के अंदर से निकलेगा दोस्तों। इसके अंदर और इसके अंदर ये मशीन के अंदर आप 20 ml से लेके 10 लीटर का अलग अलग फ्लेवर का सेट करके अलग अलग बोतल फिल कर सकते हो। अगर आपको 20 ml, 40 ml, 60 ml, लीटर, 200 ml, 250 ml, 600 ml, जैसा भी बोतल आपको फिलअप करना है, वन टाइम या डिस्प्ले में आप सेट कर लेंगे उसको, उतना इसके अंदर से सोडा और फ्लेवर फिलअप होगा। ये मशीन की कैपेसिटी है दोस्तों 1200 से 1500 बोतल एक घंटे के अंदर आप फिलअप कर सकते हो उसको। 10 घंटे कंटिन्यू काम करने के बाद, 2 से 3 घंटा वोल्ट देने के बाद नाइट प्रोडक्शन भी आप ये मशीन के अंदर कर सकते हो दोस्तों। मशीन के अंदर हमने डबल चिलर सिस्टम डाला हुआ है, जिसके हिसाब से इसकी कूलिंग कैपेसिटी फास्ट और हाईएस्ट कैपेसिटी रहेगी इसके अंदर। यहाँ पे एक नीचे हमने ऑनलाइन चिलर डाला है, यहाँ पे ऊपर हमने एक स्टोर चिलर डाला है, जिसका दोनों कंप्रेसर यहाँ पे है। ये आप देख सकते हो, दोनों आउटडोर सिस्टम इसका लगा हुआ है। यहाँ पे एक आउटडोर उसका है और एक आउटडोर दूसरे एक चिलर रहता है उसका, आउटडोर सिस्टम है पूरा। हम आपको मशीन के अंदर अभी आपको फिलअप करके बताएंगे कि कैसे मशीन के अंदर से फिलअप होता है, कैसे सोडा और सिरप दोनों एक साथ निकलता है और कैसे आपको फिलअप करना है। सबसे पहले यहाँ पे हमने सेंसिंग सिस्टम लगाया है। आपको अगर इसको बटन दबाने का जरूरत नहीं है कोई, जैसे ही आप बोतल इसको रखेंगे ऑटोमेटिक सोडा गिरना स्टार्ट हो जाएगा। अभी हम आपको कोई एक बोतल इसको फिलअप करके बताते हैं इसके अंदर। सबसे पहले आपको बोतल ऐसे लगाना है, यहाँ पे ये सोडा गिरना स्टार्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। उसके बाद हमने जो सिरप डाला है वो सिरप गिरना स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद हम ये बोतल को निकाल लेंगे और यहाँ पे हमने कैपिंग मशीन लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये कैपिंग मशीन का स्विच है, ये स्विच लगाने से यहाँ से कैप हो जाएगा आपका बोतल। ये आपका बोतल तैयार हो चुका है बनके, कोई भी फ्लेवर आप भरना चाहते हैं इसके अंदर, ये फिलअप होके तैयार हो चुका है। जैसे इन दिनों जीरा मसाला है, ऑरेंज है, फ्रूट बियर, कोला, कोई भी फ्लेवर आप वन टाइम सेट करेंगे तो इस टाइप का बोतल भर सकते हैं। अभी हमने 200 ml का बोतल भरा है। आपको अगर 250 ml, 300 ml, लीटर, 1.25 लीटर जो भी भरना है वन टाइम यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। वही हिसाब से हम आपको दूसरा हेड में भी फिलअप करके बताएंगे इसके अंदर से। दूसरा हेड है हमारा, ये आप देख सकते हैं। पहले सोडा फिलअप हो रहा है, उसके बाद इसके अंदर से सिरप फिलअप होगा। आप देखिए, ये सिरप फिल हो चुका है इसके अंदर। अभी इसको भी हम कैपिंग कर देंगे। यहाँ पे कैपिंग का बॉक्स है इसका, यहाँ पे कैप लगा देंगे। ये बोतल हो गया तैयार इसका। और अगर बाय चांस आपका ये सेंसिंग सिस्टम फ्यूचर में कोई फॉल्ट या काम नहीं करता है, तो ऐसा नहीं है कि आपकी मशीन रुक जाएगी। अगर आप इसको बोतल लगा के, अगर ये सेंस, अभी तो सेंस काम कर रहा है, अगर बाई चांस सेंसिंग सिस्टम इसका काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे हमने स्विच दिया गया, ये स्विच से भी आप ऑपरेट कर सकते हो। ये स्विच दबाने से इसका सोडा स्टार्ट हो जाएगा, आप देख सकते हैं। सोडा स्टार्ट हुआ, यहाँ पे लाइट होगा। जब सिरप स्टार्ट होगा तब यहाँ पे लाइट होगा इसका, आप देखिए। इसको आपको अभी अलर्ट दिखेगा कि सोडा स्टार्ट हुआ है, सिरप स्टार्ट हुआ है। प्लस यहाँ पे हमने दोनों टेम्परेचर कंट्रोलर दिए गए हैं कि कौन सी चिल्लर के अंदर कितना टेम्परेचर है, यहाँ पे आपको शो करेगा इसके अंदर। इसका 31 का टेम्परेचर, एक का 30 का टेम्परेचर, क्योंकि अभी हम इसको कूलिंग नहीं किया है इसके अंदर, आउटर कूलिंग है इसको। जब कूलिंग करेंगे तब इसका 0 का या 2 का या माइनस में जैसा भी आपको सेट करना है यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। वैसे हमने ये मशीन स्पेशली हमारे एक महाराष्ट्र के कस्टमर है, नासिक से हमारे को ऑर्डर मिला था, जो कस्टमर का नाम है KBR सोडा करके, वो नाम हमने इसके ऊपर लिख दिया है। कस्टमर की जो ब्रांड है द इंजीनियर्स, उन्होंने ब्रांड का नाम भी दिया था, हमने नाम भी लिख दिया इसके अंदर, ठीक है। और हमारे आज यहाँ पे कस्टमर है, मशीन को लेने के लिए आए, डिलीवरी के लिए नहीं आए, तो हम थोड़ा सर से बुलाएंगे। सर से आइए सर। हेलो सर। हेलो, क्या नाम है सर आपका? आकाश काले। आकाश काले, और सर कहाँ से आए आप? नासिक, महाराष्ट्र। नासिक, महाराष्ट्र से आए, अच्छा। और सर आपने हमारी ये मशीन का
सबसे पहले तो आपने रेफरेंस कहाँ से देखा आपने सर? अपने YouTube चैनल से रेफरेंस देखा, फिर रेफरेंस देख के आपने क्या किया आगे का प्रोसेस? आपसे कांटेक्ट किया, कांटेक्ट हमारी कंपनी में कांटेक्ट किया। तो आपको सब वहाँ से प्रॉपर डिटेल मिल गया? जी हाँ, टोटली मैडम से ऑफिस से प्रॉपर डिटेल दे दिया था आपको। उसके बाद मैं इधर विजिट को आया, इधर विजिट के लिए फैक्ट्री विजिट करने के लिए आए थे? फैक्ट्री विजिट किया, उसके बाद मशीन सब देखा, सैंपल टेस्टिंग किया, अच्छा फिर मशीन बुकिंग किया। और आपको हमारा सर सैंपल कैसा लगा था टेस्ट? सबसे अलग स्ट्रॉन्गनेस पावर टेस्ट उसका सब अच्छा लगा था आपको। और जब आप यहाँ पे फैक्ट्री विजिट करने आए तो वो टाइम पे आपने मशीन का ऑर्डर दिया था कि क्या किया था आपने वो टाइम पे? ऑर्डर ही दिया था, ऑर्डर देके ही चले गए थे आप। और आपने सर जो हमारे से मशीन जो मांगी थी वही मशीन आपको मिली? वही मशीन जो आपने ऑर्डर दिया था हमारे को वही मशीन मिली। और हमने जो आपको रॉ मटेरियल जब मशीन के साथ आरओ प्लांट है, बोतल वॉशर है, उसका कूलिंग सिस्टम है, तो पूरा सब दिया आपको जो कमेंट किया था आपको? जी हां, सब कमेंट किया है वो सब दिया, सब कमेंट किया था वो टोटली पूरा दिया आपको। अच्छा, ये सर अभी साथ में गाड़ी लेके आए हुए उनका मशीन लेने के लिए, अभी हम सर को पूरा मशीन का टेस्टिंग दिया, अभी मशीन भरा देंगे, लोड करा देंगे, और मशीन वहां पहुंचने के बाद सर हमारे को जब बोलेंगे तब हमारी कंपनी में से टीम भेजेंगे वहां पे पूरी टेस्टिंग और डेमो के लिए कि मशीन कैसे ऑपरेट होती है, कैसे चलती है, कैसे फ्लेवर बनाना है, सब जानकारी हमारी टीम इनके सर के वहां नासिक में जाके पूरा कंप्लीट चालू करके दिखाएंगी आपके वहां पे आके। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियो।